वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वही रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या किया, उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज, छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था, तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में मेरी आवाज़ कमज़ोर है, जब तक आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुँचा सके। आपने सुना हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियाँ दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं, मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरे के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूँगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, खासकर 370 को गैर आइनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है, यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज़ के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था, तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है, अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत जदगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वही रहमान परा है,
मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या सहा, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वही रहमान पारा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए, इसका बांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहाँ जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में हैं, वो कोई भी उनमें से सेहतमंद नहीं है, काफ़ी उनकी सेहत बहुत ख़राब है। जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ, मलकनाग अनंतनाग का जो एक लड़का जिसको थर्ड स्टेज में इस वक्त कैंसर है, वो कहते हैं उसको यहाँ लाभ नहीं लाते। तो ये सारी मुश्किलात हैं। हमारे फयाज़ मीर साहब हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, किसी वजह से जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 ख़त्म किया गया तो आपको इस्तीफ़ा देना है, तो इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो मैंने उनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं और इनके भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक साख है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूंकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं, सबको वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पर यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूँ और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज़ पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की जो ऐसे अलायंस को जो हमने उसके साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट किया है, इसलिए नहीं किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, उनके सपोर्ट के ऊपर भरोसा है, वो किसको। और दूसरा, मैं तो इस वक्त आपके ज़रिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मेरी आवाज़ कमज़ोर है, जब तक आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बात ही, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुँचा सके। और दूसरा आपका सवाल था मंशूर, हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले 5 साल से मैं जम्मू कश्मीर के सरजमीन पे करती आई हूँ, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनी हूँ, जब यहाँ के ट्राइबल्स को घरों से निकाला, यहाँ के लोगों को ज़मीनों से बाहर निकाला, तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुँच गई, पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने धरना दिया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मंशूर कि मेरी आवाज़ को मजबूत करें, ताकि हम पीडीपी की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुँचाएँ, और जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया उनको जानेगी, ऐसे तो किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है सब चंगा है, सब ठीक है, अगर ठीक होता तो लद्दाख में आज दफ़ा 144 क्यों लगाया गया है, जम्मू के लोग इतने नाराज़ क्यों हैं, कश्मीर के लोगों को तो जबान बंदी कर दी, यहाँ तो बोल नहीं सकते आप, मगर लद्दाख का हाल देखिए, जम्मू का हाल देखिए। तो इसलिए मेरी आवाज़ ही मेरा मंशूर है।